अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जीवन में आयु हमारी जो है ना ये इतनी ज्यादा नहीं है, जीवन इतना बड़ा नहीं है, तो हम इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट कर सके। समय बहुत अल्प है, कार्य बहुत है करने के लिए। जो सार कार्य होते हैं ना कि वो बहुत जरूरी, वो कर लेने चाहिए। और व्यर्थ के चिंतनों से बच के हमेशा सिद्धांत के बारे में समय को खर्च करना चाहिए, विचार के बारे में समय में खर्च करना चाहिए। अंग्रेजी की कहावत है कि वॉइस पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट द आइडिया, स्टूपिड पीपल ऑलवेज, ऐसी कुछ कहावत है, ऑलवेज टॉक अबाउट द पीपल। ये माताओं के लिए तो ये रामबाण औषधि बात है जो कहने जा रहे हैं हम। कहते बुद्धिमान लोग हमेशा विचारों की बात करते हैं, वो विचार इतना सुंदर था, वो विचार ऐसा था, वो विचार ऐसा था, वो विचार ऐसा था, ये बुद्धिमान लोगों का काम है। आवाज का कह रहे थे आवाज नहीं आ रही है, तो ये अटक रहा था कुछ, क्या बात थी। अभी आवाज आ रही है आप सब, आगे वाले पीछे वाले लाइन वाले ऑनलाइन वाले सबको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, ठीक है। हम कह रहे थे तो फिर तो आपको मिस हो गया होगा, फिर से बताते हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है कि वाइज पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स और अबाउट द थॉट, स्टूपिड पीपल ऑलवेज, ऐसा ही है, ऑलवेज टॉक अबाउट द पीपल।
ये माताओं के लिए तो रामबाण बात है जो हम कहने जा रहे हैं। तो मंगलाचरण भी आप लोग फिर सुन नहीं पाए होंगे और प्रार्थना जो हमने की वो भी नहीं सुन पाए होंगे, चलो थोड़ा मिस हो गया होगा। तो रामबाण बात क्या है, रामबाण बात ये है कि बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो विचारों के बारे में बात करते हैं, वो सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं, और माथा फोड़ू जो लोग होते हैं स्टूपिड कह दिया हमने हिंदी में, माथा फोड़ू कह दिया, वो हमेशा लोगों के बारे में बात करते रहते हैं। अरे वो आदमी ऐसा है, वो वैसा है, उसने तो ये नहीं किया, उसने तो वो नहीं किया। कई बार माताओं पर चुटकुले बनाते हैं ना लोग, बोले चार माताएं बैठी थी और चारों चुप थी, बोले इससे बड़ा कोई चुटकुला नहीं है। क्यों, वो इसकी बात करेंगे उसकी बात करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये चुटकुला माताओं पे ही हो, पुरुषों में भी ये चुटकुला चलता है। वो अलग बात है कि आजकल थोड़ा वातावरण बदल गया है, चार लोग बैठे हुए तो चारों अपने मोबाइल में लगे बैठे थे, आजकल अभी थोड़ी कहावत बदल जाएगी। मोबाइलों में भी क्या देख रहे हैं, आइडिया नहीं देख रहे कुछ एक तो इतना ज्यादा आजकल पता नहीं कॉमेडी की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ गई क्या, इतनी कॉमेडी हो रही है आजकल मोबाइलों में, बड़ी कॉमेडी हो रही है, छोटी छोटी बातों पे कॉमेडी कर रहे हैं, थमके लगा रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, इतनी कॉमेडी की जरूरत है हमें, इतनी कॉमेडी की जरूरत है ही नहीं, इतने दुखी थोड़ी है हम कि हर वक्त मोबाइलों से कॉमेडी देखते रहे। आज मैंने ये जो बात कही आप लोगों को कि बुद्धिमान लोग विचार के बारे में बात करते हैं, जब तक आप विचार का विचार नहीं करेंगे कि हमारा क्या विचार चल रहा है, कैसा आचार है, तब तक आप स्वयं के लिए भी कुछ नया नहीं कर पाएंगे और समाज के लिए भी कुछ नया नहीं कर पाएंगे। तीन ऋण हमारे शास्त्रों ने हमें बताए हैं, प्रत्येक व्यक्ति पर तीन ऋण होते हैं भाई। एक तो हम पर जो है ऋषि ऋण होता है, ऋषियों की जो इतनी पुरानी परंपरा चलती आ रही है, उन्होंने हमें इतने शास्त्र दिए, अगर कोई शास्त्र ना मानता हो तो आ बा सा तो बोलता है कि नहीं है, तो वो आ ई उण आ बा सा जो अल्फाबेट है हिंदी में बोलेगा या वो कन्नड़ में बोलेगा या किसी भी भाषा में बोलेगा, वो भी हमारे ऋषियों की खोज है। तो ऋषि ऋण हमारे ऊपर है, मातृ पितृ ऋण हमारे ऊपर है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनका ऋण हमारे ऊपर है, और तीसरा सामाजिक ऋण भी हमारे ऊपर है। तो समाज में हम रहते हैं, समाज में किसी ने हमसे पहले पेड़ लगाए होंगे तो उन पेड़ों की छाया हम ले रहे हैं, यानी सोसाइटी में किसी ने कुछ पहले किया है जो अब हम उसका लाभ उठा रहे हैं। आप लोगों ने खबरें देखी होंगी, एक उद्योग जगत का व्यक्ति दिवंगत हुआ, अभी शरीर छोड़ दिया, मृत्यु हो गई, स्वर्गवासी हो गया, ऐसा बोला जाता है। रतन टाटा की बात हो रही है, बहुत सारी न्यूज पे स्टोरी चल रही है, और गार्ड ऑफ ऑनर दे के अंतिम संस्कार हुआ, और बहुत सा देश में बहुत सारी उपलब्धियां जो हैं जीवन की बताई जा रही हैं कि भाई उन्होंने टाटा कंपनी और ये और वो, बहुत बातें न्यूज चैनल्स पे चल रही हैं। भले व्यक्ति थे, एक बात बहुत सुंदर यहां क्या है, इतनी सारी बातों में एक बहुत सुंदर बात है जिससे सारी सुंदर बातें निकलती। बहुत लोग अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए भाई, वो हमेशा वो व्यक्ति ने एक बात कही जो बात हम सब पर भी कुछ कुछ अंशों में लागू होनी चाहिए। वो हमेशा ये कहते थे, कोई लोग कहते थे कि भाई हम उद्योग करना चाहते हैं, हम कोई अलग से कुछ काम करना चाहते हैं या हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति ने हमेशा कहा कि भाई तुम किस लिए करना चाहते हो,
बोले सर पैसा ही तो कमाना है और किस लिए क्या करना, कोई भी आदमी कुछ भी काम करेगा पैसा कमाएगा। तो उस व्यक्ति ने एक बात हमेशा कही जो मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगी, अब तो आज तो जिक्र चल रहा है लेकिन वो फिलोसफी मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगी, हमेशा रतन टाटा जी की। और महाशय ने कहा कि आप अवश्य ही पैसा कमा लोगे, पैसा कमाने को आप कोई आपको रोकेगा नहीं, आप जो भी काम करोगे उसमें पैसा कमाने का सोच रहे हो पैसा तो आ ही जाएगा, लेकिन पैसे को आप एक साइड वाली चीज समझिए, उससे पहले आप समझिए जो भी काम आप कर रहे हैं उसका आपकी सोसाइटी पर आसपास वालों पर क्या सुधार का फर्क पड़ता है, आप सोसाइटी को क्या देते हैं, क्या आप उसमें सुधार कर सकते हैं, उस पर कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब आप कहोगे ये इस बात से हमें क्या लेना देना है, इसका अध्यात्म से भी क्या है, कोई बोल सकता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि यदि विचार करोगे तो इसमें इतना गहरा सूत्र जुड़ा हुआ है कि सब में आत्मभाव देखना। यदि आपके आसपास के लोग खुश हैं आप भी स्वतः ही खुश हो जाओगे, यदि आपके आसपास की चारों तरफ की घटनाएं ऐसी घट रही हैं कि आप कितने भी सुखी हों और आज के आसपास का वातावरण ऐसा को दुखद बन जाए या आसपास के लोग दुखी हो जाए, आपकी धन दौलत आपने खुद अकेले कुछ भी कमा लिया लेकिन आपके आसपास के लोग यदि किसी भी तरह से कुछ भी बहुत भारी परेशानी में आ जाए तो आपको भी वो प्रभावित कर देंगे। व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद से वो एक ऐसे परिवेश में रहता है, चाहे वो साधु समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो गृहस्थ में रहता हो, चाहे वो सैनिक हो, वो कहीं भी कैसा भी व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी से वो जुड़ा होगा और कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग उससे जुड़े होंगे। आसपास के उसके जो लोग हैं यदि वो प्रसन्न रहेंगे, अल्लाह हमारे कुछ करने से, हमारे किसी व्यवहार से, तो हम स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। शास्त्र में इसके लिए बड़ा सुंदर श्लोक आता है। श्लोक में पूछते हैं कि भाई धर्म क्या है, धर्म का रहस्य क्या है, धर्म आप किसको कहेंगे। धर्म की परिभाषा अनेकों शास्त्रों में अनेक दी गई है। जैमिनी जी ने धर्म की परिभाषा जो दी वो अलग है, कोई वैष्णव से पूछो वो अलग दे देगा, सब अपनी अपनी परिभाषाएं धर्म की अलग दे देंगे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में महाभारत का एक श्लोक है, वो श्लोक जो है महाभारत का बड़ा सटीक बैठता है धर्म की परिभाषा के लिए, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। इसमें कोई जाति संप्रदाय या किसी एक की बात नहीं है। जो मैं अभी धर्म की परिभाषा महाभारत के श्लोक के द्वारा वर्णित बताऊंगा, आप कहेंगे कि वास्तव में वो परिभाषा तो सब पर फिट बैठती है और वो परिभाषा तो मुझे अच्छी लगती है। कहते हैं कि आत्मानी प्रतिकूलानी, हिंदी करके बता देते हैं, अपने को जो प्रतिकूल हो, अच्छा ना लगे, वो व्यवहार आप दूसरे के साथ भी ना करें। मां समाचरित, मां माने मत, संस्कृत में मां का मतलब मत होता है, मां नहीं मां। जो अपने को अच्छा ना लगे वो दूसरों के साथ ना करें, महाभारत का श्लोक है ये। अब बात तो रतन टाटा से चली लेकिन बात ये हमारे शास्त्र की है कि आप और हम जो दे रहे हैं वही तो लौट के हम तक आ रहा है। आप यदि सोसाइटी को अच्छा व्यवहार दे रहे हैं, आसपास में अच्छा व्यवहार दे रहे हैं, आपके पास वही तो लौट के आ रहा है। मैं आपको सच में एक फॉर्मूला बताता हूं, मैं मेरे जीवन में देखता हूं,
कभी कभी जीवन में जब कोई कष्ट आ जाता है, शारीरिक कष्ट आ जाए या मानसिक कोई कष्ट आ जाए, अर्थात कोई किसी ने खरी खोटी बात कह दी, वो खरी खोटी बात हम समझते हैं कई बार कि ये खरी खोटी बात हमें तो नहीं कहनी चाहिए थी, इस व्यक्ति ने ऐसी क्यों कह दी, या शारीरिक कोई कष्ट आ गई, शरीर में कोई बुखार हो गया या शरीर में कोई और कोई छोटी मोटी कोई बीमारी हो गई। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को बता रहा हूं, आप लोग सीखना चाहो तो उसी से सीख सकते हैं। इस तरह से यदि कोई कुछ आता है तो मैं सिर्फ एक काम करता हूं, मैं अपना जीवन का डेटा रिव्यू करता हूं, बैक चला जाता हूं, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना, क्या मैंने किसी को जाने अनजाने में कुछ खरा खोटा कह दिया, क्या मेरे खान पान में कोई गड़बड़ हो गई जो बुखार आ गया, क्या मैंने किसी के शरीर को कोई कष्ट पहुंचा दिया कि मुझे कष्ट आ गया, इतना भर मैं करता हूं बस, अपने माइंड में ये एक्सरसाइज करता हूं। अच्छा, उसमें मुझे पता भी चल जाता है कई बार कि भाई व्यवस्था या जाने अनजाने में कुछ ऐसा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे आसपास वो व्यक्ति हो तो मैं क्षमा उनसे मांग लेता हूं, और यदि वो व्यक्ति मेरे आसपास नहीं भी होते हैं तो मैं फिर वो हो सकता है वो लोग कहीं निकल गए या मेरा उनसे संपर्क नहीं आ, हो सकता है मैं उनसे मिलूं और मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई तो मैं हृदय से उससे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि अब मैं उस व्यक्ति को तो मिल नहीं सकता। मुझसे जो कई लोग जुड़े हुए हैं वो कई बार देखते हैं मैं ऐसे ही, वो सोचते हैं कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं, मजाक के मूड में है। मैं कहता हूं धन्यवाद, धन्यवाद, बड़ी कृपा आपकी, बड़ा एहसान आपका, ऐसा मैं कई बार बोल देता हूं। वो लोग सोचते हैं कि गुरुजी बड़े मजाक के मूड में ऐसा बोल रहे हैं आज, महाराज जी बड़े मजाक के मूड में ऐसा बोल रहे हैं आज। वो चलो जैसा समझते हैं अच्छी बात है, वो मुझे मजाक समझ के उनको अच्छा लगता हो तो अच्छी बात है, मजाक मान रहे हो वो एक अलग विषय है, लेकिन मेरे मन में आभारीपन धन्यवादता भरी होती है। किसी ने छोटा सा भी हमारे लिए कुछ किया होता है तो हम डबल ट्रिपल करके उसको धन्यवाद देने से हमें अच्छा लगता है, कितनी ठंडक मिलती है हम लोगों को, हम कितने अकड़ के रहते हैं और कितना अकड़पन कम हो जाता है, कितनी ठंडक मिलती है यदि हम धन्यवाद करना सीख जाएं, और वही धन्यवाद हम तक लौट के आ जाता है। वो धन्यवाद ऐसा नहीं हम किसी और को कर रहे हैं, वो लौट के हम तक आ जाता है। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, आप समझते नहीं है, जैसे होती है ना कहीं कहीं इंटरलॉक टाइल लगा देते हैं, ऐसे एक टाइल से ये टाइल दूसरी फिर तीसरी ऐसे फंसी होती है और उधेड़ना शुरू करो तो सारी उधड़ती चली जाती है। इंटरलॉक टाइल्स कहीं खड़ंजा ना लगा के इंटरलॉक टाइल्स लगा देते हैं, सारी चीजें एक दूसरे से ऐसी कनेक्टेड है, ऐसी कनेक्टेड है। कुछ दिन पहले मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर से कुछ सलाह मशवरा कर रहा था और उन्होंने मेरे साथ 1.5 घंटा बात की, 1.5 घंटा। और होम्योपैथी की ये पैथी है कि होम्योपैथी में आपकी प्रत्येक बात पर चर्चा की जाती है, फिर उसी हिसाब से वो आपको कुछ बता सकते हैं। तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब ये इतना, बोले महाराज सब चीजें जुड़ी हुई हैं, अलग अलग नहीं है। आप समझिए कि हम कहते हैं कि हमने जो व्यवहार किया, हमने तो जो व्यवहार किया था वो फलाने व्यक्ति के साथ गलत किया था, लेकिन हमारे साथ गलत तो उसने कर दिया, तो आप अलग अलग समझ रहे हैं लेकिन सब जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप एक बार थोड़ा थोड़ा अनुभव करने की कोशिश करें, आप ये मत समझना कि आप इस हाथ से कुछ गड़बड़ करके चले गए और दूसरा हाथ अछूता रह जाएगा, बच जाएगा, गड़बड़ वहां भी कुछ ना कुछ होनी है, सब कुछ कनेक्टेड है। एक शरीर के एक एक अंग से मिलकर जब पूरा शरीर बनता है तो ये जो समष्टि शरीर है जो विश्व दर्शन भगवान ने कराया, ये जो सारा जगत है
ये सारा जगत हमसे कनेक्ट है, हम इस सारे जगत से कनेक्ट हैं। पता है भगवान ने गीता में क्या कहा? तो आज अगर टाटा ये कह रहे थे, भगवान ने क्या कहा मैं भी बताने वाला हूं, ऐसा मत समझना। मतलब टाटा ने यदि ये बात पहले कही थी कि भी आप सोसाइटी को क्या देते हो इस बारे में सोचो, पैसा तो कमा ही लोगे, तो इसके पीछे भी हमारा अध्यात्म है। क्योंकि जब आपके अंदर कुछ देने की भावना शुरू होगी, उसी समय आपको प्रकृति देना शुरू कर देगी, उसी क्षण आपको वो देना शुरू कर देगी। भगवान ने भगवद गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा है, वो श्लोक मैं बहुत बार सोचता हूं और कई बार कई नए लोगों को बताता भी हूं, कई लोगों का तो प्रिय श्लोक बन गया है। मैं उसका छोटा सा एक आध पंक्ति या छोटा सा एक दो शब्द बोलूंगा, आप लोग ढूंढना, आप लोगों के लिए कसरत है, अगले सेशन तक आप लोग ढूंढना वो कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है। नामा कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्प्रहा, ये ढूंढना आप। नामा कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्प्रहा, भगवान ये कह रहे हैं कि मैं किसी कर्म का लेप मुझे लगता ही नहीं है और मेरे में किसी कर्म की कोई इच्छा ही नहीं है और किसी कर्म के फल की इच्छा नहीं, किसी कर्म को करने की इच्छा नहीं और मुझ पर कोई कर्म फल लगता ही नहीं है और सारे कर्म कर रहे हैं भगवान। भगवान ने तो इतने बड़े बड़े कर्म किए, महाभारत का युद्ध ऐसे थोड़ी जीत सकते थे पांडव, भगवान ने ही सब कुछ कराया और बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया बचपन से, फिर भी ऐसा बोल रहे हैं और अगली पंक्ति में तो गजब ही कर दिया। कहते हैं ऐसा जो मुझे जानता है कि मैं कोई कर्म नहीं करता, मुझे कर्म का फल नहीं लगता, ऐसा जो मुझे जानता है, बोले उसे भी कोई कर्म फल नहीं लगेगा, वो भी मेरी तरह मुक्त ही है। सार भाव ये है श्लोक का। आप एक बात सोचो कि मैं एक भला आदमी हूं और दूसरा आदमी जो मुझे भला जानता है, बोले वो भी भला हो जाएगा, ये ऐसी सी बात है। बोले मैं एक भला आदमी हूं और जो दूसरा आदमी मुझे भला समझेगा वो भी भला हो जाएगा, तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? अरे भाई कलेक्टिव रूप में देखो, जुड़े हुए अर्थों में देखो, हम तुम हम, ये दो चीज लगती है लेकिन दो है नहीं। जिस समय मैं बोलता हूं तुम, उस समय इस शरीर को बोलता हूं मैं। समझना जरा, आज जरा गहरी बात चल पड़ी, पता नहीं आज क्या मूड रह गया, आज थोड़ी गहरी बात निकल रही है। आप समझोगे तो आचार विचार व्यवहार की बात चलती थी, आज तो बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। तो कई लोगों का ऐसा भी होता है कि कुछ गहरी गहरी बातें भी आनी चाहिए, क्योंकि इसमें पुराने लोग भी है ना हमसे जुड़े हुए, तो पुराने लोग अभी बहुत आगे की यात्रा कर चुके हैं, कुछ नए लोग हैं उनको सामान्य कथा कहानी भी चाहिए होती है, कथा कहानी भी है। जिस समय मैं कहता हूं तुम, सामने बैठे वाले को बोलूंगा तुम और स्वयं को शरीर की तरफ को ऐसे करके बोलूंगा मैं, और सामने वाला मुझे बोलेगा तुम और स्वयं को बोलेगा मैं, अब बताओ तुम किसका नाम है और मैं किसका नाम है? सोचो जरा, जिस समय मैं सामने बैठे वाले को बोलता हूं तुम, उस समय सामने बैठने वाला मुझे कहता, सामने बैठने वाला मुझे तुम कहता है, और उसी समय मैं शरीर की तरफ उंगली करके बोलता हूं मैं, और उसी समय सामने वाला अपने शरीर की तरफ उंगली करके करता है मैं। तो मुझे ये बता दो, ये तुम किसका नाम है और मैं किसका नाम है? ये तुम और मैं अलग तो फिर बचे ही नहीं, तुम और मैं तो अलग बचे ही नहीं ना फिर, ये तो सबके ही नाम है ना, तुम और मैं, तो तुम और मैं सबके ही नाम है, ये अलग कोई बचे ही नहीं है। यानी कि तुम और मैं में कोई खास भेद कोई नजर नहीं आता। ये जैसे कुम्हार घड़े बनाता है माटी में, एक घड़ा बन गया, सकोरा बन गया, ग्लास बन गया, कुछ भी बन गया, बड़े बर्तन बनते चले जाते हैं, क्या माटी से भिन्न है वो?
बताओ आप मुझे। यदि कोई कहने लगे कि वो माटी नहीं है, क्या ये बात संभव है? अरे जो सुनार गहने बनाता है, कुंडल बना दिया, अभी ब्रेसलेट बना दिया उसने, चेन बना दी, कुछ भी बना दिया उसने, क्या वो सोने से या चांदी से वो अलग हैं? आप कह सकते हो कि सोना छोड़ के मुझे ये गहना दे दे सोने का? क्या कि देखो कुमार को कहो कि मिट्टी तू रख ले, बर्तन मुझे दे दे, वो कहेगा भैया मिट्टी के बिना तो बर्तन ही नहीं है। तो क्या पांच तत्वों को छोड़ के आपको और मेरा कोई अस्तित्व है? शरीर के लेवल पर बोल रहे हैं, सूक्ष्म शरीर के भी लेवल पर बोल रहे हैं। केवल आकृतियां ही तो अलग अलग घड़ी हुई हैं, संस्कार ही तो अलग अलग पड़ गए। अरे भाई इस घड़े का संस्कार क्या किया, एक घड़ा बना दिया, ये चौड़े पेट का, ये हल्के पेट का, ये मोटा बड़ा, ये छोटा। अभी करवा चौथ आएगी, छोटे छोटे घड़े करवा चौथ पे, छोटी छोटी है, छोटे छोटी माताएं घड़े रखते, छोटे छोटे करवे कहते, करवे घड़े, करवे कहते, करवा चौथ है तो करवा, तो करवा चौथ मनाते हैं लोग, माताओं का त्योहार। बड़े बड़े तो आकृतियां जो है वो भिन्न 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 है, लेकिन क्या माटी से अलग है? तो आप और हम अलग अलग आकृतियां परमात्मा ने पांच तत्वों के द्वारा ये घड़ी गई हैं, अलग अलग आकृतियां, और अलग अलग संस्कार इसमें पड़ गए हैं। कोई अपने को शर्मा मानता है, कोई अपने को वर्मा मानता है, कोई अपने को ऊंची जाति का मानता है, कोई नीची जाति का मानता है। ये सब जो भेद हैं, ये हमारी इमेजिनेशन ही तो है, हमारी कल्पना ही तो है, हमारे दिमाग में ही तो है। इनको हटाओगे तो क्या हम अलग अलग कहीं हैं, पहचान सकते हैं अलग अलग? अगर इनको हटा दो, आप शरीर की उपाधि हटा दो, पहचान लोगे? शरीर हट जाए तो नहीं पहचान पाओगे। और वो जो शुद्ध तत्व है, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, जिसको आत्मा बोलते हैं, वो शुद्ध तत्व तो एक ही है, वो शुद्ध लाइट, वो प्रकाश तो एक ही है। अरे वो शुद्ध तत्व, वो शुद्ध प्रकाश, वो शुद्ध लाइट, जो जिसे परमात्मा रोशनी बोल दो, लाइट बोल दो, अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तरीके से समझा देते हैं, वो तो एक ही है। जैसे सूर्य एक है, लेकिन सूर्य जब निकले और अलग 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 जो समझ लो गड्ढा है, कोई बर्तन है उसमें पानी भरा है, तो उसमें उसका प्रतिबिंब अलग अलग दिखेगा, गड्ढे में अलग, कहीं और अलग। लेकिन क्या सूर्य बदल गया? आप इस बात को एक वेदांत तात्विक स्तर पर समझ लो, या सामान्य व्यवहार स्तर पर समझ लो, घूम फिर कर सब बात वही आ जाएगी कि आपसे भिन्न कुछ नहीं है इस जगत में, आप ही चारों ओर अनेक रूप से फैले हुए हैं। बोले हम तो नहीं फैले हुए, ये तो परमात्मा फैला हुआ है। अच्छा, तो नहीं पढ़ा आप लोगों ने रामचरितमानस में, चेतन अंश जीव अविनाशी? चलो नहीं पढ़ा तो मैं आपसे पूछता हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दो, एक बाल्टी है और उसमें अपने टोंटी के नीचे लगा के, जो पानी की टोंटी होती है, नल होता है, उसके नीचे लगा दिया, वो पानी भर गया, उसमें से एक लोटा जल निकाल लो, एक गिलास जल निकाल लो। अब मुझे ये बता दो, यदि एक ग्लास उसमें से जल निकाल लिया तो लोटे में या ग्लास में निकल देने से उसने लोटे की और ग्लास की आकृति तो ले ली, बाल्टी में है तो बाल्टी की आकृति ले ली, जल तो वही का वही है। जो स्वाद उस एक लोटे जल का है वही पूरी बाल्टी में है, पूरे समुद्र में खारापन है, आप खाली एक ड्रॉप चख के देख लो उसकी, शक्कर की बोरी में से थोड़ी सी शक्कर खा लो, पूरी की पूरी बोरी का टेस्ट एक जैसा है। नमक के बड़े पहाड़ में से छोटा सा टुकड़ा जीभ पे रख लो, सीधा नमक का या किसी चीज का बड़ा सा ऐसा पहाड़ जैसा सा बना हुआ हो, उसमें से छोटा सा टुकड़ा रख लो, एक का एक स्वाद है। तो यदि बूंद
और आपकी बाल्टी का पानी एक है, तो आप और परमात्मा दो नहीं हो सकते। परमात्मा में और आप में भिन्नता नहीं है, खाली ये शरीर की ओढ़नी ओढ़ के हम अपने को जीव मान रहे हैं। बाकी जो ईश्वर है वही हम हैं, जो हम हैं वही ईश्वर है। यदि उपाधि हटा दो तो, ये ओढ़नी हटा दो तो, ये खोल हटा दो तो, जब परमात्मा और आप भिन्न नहीं है तो आपको क्या लगता है कि सामने जो हमारे बैठा है जिसके साथ हम व्यवहार करते हैं वो थोड़ा कोई 10-20% कम परमात्मा है, या हम कोई 100% वाले परमात्मा है, वो 90% वाला परमात्मा है। उसमें जो जल है, उसमें जो वायु है, वो ईश्वर ने 10% की रखी और हमने 100% की रखी। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है ही नहीं। तो कह रहा हूं ना मैं, इंटरलोक की तरह इंटरकनेक्टेड है। तो आप जो भी व्यवहार आप करेंगे, जहां भी जैसा भी व्यवहार आप करेंगे, वो सब व्यवहार आपके आसपास आपको वही लौट के मिलने वाला है। इसलिए व्यवहार करने में सतर्क हो जाओ। आप समाज को क्या देके जाने वाले हैं? एक मधुर व्यवहार, एक मधुर जीवन, और समाज को आप देके जाएंगे इसलिए आप व्यवहार करेंगे, ये तो बेईमानी हो गई। आप जब आत्मीय भाव से व्यवहार करते हैं, सबको अपना आत्मा समझ के एक बात करते हैं, सब मैं तुझ में राम, मुझ में राम, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है, तुझ में ओम, मुझ में ओम, तुझ में शिवा, मुझ में शिवा, तुझ में कृष्ण, मुझ में कृष्ण, सब में कृष्ण समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है। आप अपने दिल को खोलिए, फिर यहां कहेंगे मैं तो गुरुजी ऐसा व्यवहार करता हूं, असी तो बिल्कुल चंगा व्यवहार कर देसी है। पंजाबी लोग भी जुड़े होते हैं ना हमारे साथ, कोई करनाल से जुड़ा है, कोई बहादुरगढ़ से जुड़ा है, कोई जाट है, कोई पंजाबी है, लेकिन सब एक है भाई। जाट है, पंजाबी है, ब्राह्मण है, बनिया है, यादव है, ठाकुर है, मिश्रा है, जो भी है, रावत है, जाने कौन कौन लोग जुड़े हुए, कितनों के नाम में ले पाऊंगा। अरे ये सब टाइटल तो बस यूं ही है, यूं ही है। इन टाइटल के हिसाब से थोड़ा बहुत व्यवहार कर लो, समाज में रहते हो व्यवहार करना पड़ जाता है, लेकिन अंदर से आप कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा मन में रख के द्वेष पालेंगे तो आपके हृदय की ठंडक कम हो जाएगी। सब कनेक्टेड है हम लोग। व्यवहार में यदि आप थोड़े से दक्ष हो गए तो आप देखो अध्यात्म कैसा खिलता है। व्यवहार की थोड़ी सी दक्षता आपके अध्यात्म को खिला देगी, और व्यवहार का थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे हो जाता है तो आपका भजन में भी मन नहीं लगता है। बोले माला नहीं घूम रही आज गुरु जी, बड़ी बेचैनी है, माला नहीं घूम रही, तो कुछ व्यवहार में गड़बड़ हो गई भाई। व्यवहार को परमार्थ को अलग मत समझ, सब इंटरकनेक्टेड है। फिर बोलता हूं सब इंटरकनेक्टेड है, आज की टैगलाइन है, सब इंटरकनेक्टेड है, सब जुड़ा हुआ है, कहीं नहीं जा सकते भाग के। आप सुई जहां खुई है वहीं खोज लो,
अरे जहां गलती हुई है वहीं से क्षमा मांग लो, वहीं से सुलझा लो। एक बुढ़िया थी, वो बुढ़िया जो थी बाहर अपने आंगन में अंधेरे में कुछ ढूंढ रही, एक नौजवान आया, नौजवान आके बोला दादी क्या ढूंढ रही है अंधेरे में, ला मैं टॉर्च लगा दूं। टॉर्च लगाई, बोले बेटा मैं सुई ढूंढ रही हूं। बोले दादी कब हुई थी? बोले आज हुई थी। अच्छा दादी इस समय तो तू बाहर नहीं आई थी, तो तेरी सुई यहां कैसे हुई? बोले सुई तो मेरी उधर अंदर कमरे में खोई थी, तो दादी मेरी यहां क्यों खोज रही है? कमरे में ही खोजना सुई, आंगन में क्यों खोज रही है? तो बोले बेटा तेरी इतनी बात समझ में आती है? बोले हाँ आती है। तो आज जिस दोस्त के साथ झगड़ा करके आया है, झगड़ा उसके साथ करा है तूने, और झगड़ा करके गलती भी तेरी थी सारी, और तू अब कह रहा है कि मेरा भजन में मन नहीं लग रहा, खाना खाने का मन नहीं है। अरे दो मिनट उससे मिल ले, बात करके उससे क्षमा मांग ले भाई, आवेश में आकर मेरे मुंह से कुछ निकल गया, अब मेरा दिमाग ठंडा है, मेरे मन में तेरे प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। उस समय बस निकल गया गर्मा गर्मी में, पता नहीं मैं भूखा था, गर्मी ज्यादा थी, क्या कारण था। उसी के साथ अपना तो व्यवहार ठीक कर ले, इधर भजन में तेरा मन लगेगा कैसे? जब तुझे इतना पता चल गया कि सुई जहां हुई है वहीं ढूंढनी चाहिए, तो जिसके साथ व्यवहार बिगड़ा है उससे तो हाथ जोड़, क्योंकि हम सब इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए हो सके तो व्यवहार करने के समय पर ही सावधानी रख लो, बाद में पछताना ना पड़े। आप उद्योगपति बन के समाज को कुछ दे पाए ना दे पाए, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां टाटा की तरह बना पाए ना बना पाए, कुछ फिलंथ्रोपिस्ट जो काम करते हैं, बड़े बड़े जो व्यवसायी लोग जो हैं एक समाज सेवी की तरह काम करते हैं, कहीं बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला देते हैं, वो सब आप कर पाए ना कर पाए, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि अपने आसपास में, अपने मिलने जुलने वालों में आप अपने व्यवहार को इतना सतर्कता से जिए कि आपके मन में सदैव महाभारत का ये श्लोक गूंजता रहे कि आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान मा समाचरे। जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती वो सामने वाले को भी कहाँ अच्छी लगती होगी, जो मुझे अनुकूल नहीं पड़ता वो सामने वाले को भी कहाँ अनुकूल पड़ता होगा, फिर मुझसे जाने अनजाने में ऐसा व्यवहार। प्रत्येक कार्य करते हुए दो तीन प्रश्न अपने पे दाग लिया करो। पहली चीज, ये जो कार्य मैं कर रहा हूं क्या इस कार्य को करने में मैं सक्षम हूं, क्या इस कार्य को करने के लिए जितनी तैयारी चाहिए मैंने वो तैयारी कर ली है, इस कार्य को करने से मुझ पर क्या फर्क पड़ेगा और मेरे आसपास के लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे दो चार क्वेश्चन दाग के तब कोई भी कार्य करने निकला करो। क्या जो मैं कर रहा हूं, मैं किसी से जो बोल रहा हूं, जो वचन मेरे मुंह से निकल रहा है, जो व्यवहार मैं कर रहा हूं, यदि जैसा व्यवहार मैं इसके साथ कर रहा हूं ऐसा ही ठीक व्यवहार ये मेरे साथ करेगा तो मेरा क्या उत्तर होगा, मुझे अच्छा लगेगा क्या, मेरी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। आप समझते हो मैं यहां व्यवहार करके कहीं और निकल जाऊंगा, अरे उसे किसे पता चलेगा यार मैं तो ऐसे वैसे वैसे ऐसे। हमारे साथ एक पढ़ता था, पढ़ने के टाइम की बात बता रहे हैं, तो हम पहले उधर पढ़ते थे नोएडा में, फिर हम चले गए उधर बेंगलोर में नौकरी करने, तो वो नोएडा में कई बार आता था हमारे एक मित्र के पास। तो आता था तो वो क्या बोलता था, वो थोड़ी हरकत ऐसी कर देता था उल्टी सीधी, बोले यहां मुझे कौन जानता है, यहां मैं कुछ कर भी दूंगा तो क्या हो जाएगा। तो चौधरी था वो, सभी चौधरी ऐसे होते हैं, ये मेरा तात्पर्य नहीं है। मैंने कहा चौधरी साहब एक बात बताओ मुझे, आप जो यहां कर रहे हैं आपको क्या लगता है कि ऐसा व्यवहार आपके साथ कभी कोई नहीं करेगा? यहां आपको कोई पहचानता नहीं है और आप यहां उल्टा सीधा व्यवहार करके निकल जाएंगे और कहीं जहां आपका शहर है आप वहां जाएंगे, जो आपका कस्बा जो आपका शहर है वहां आप चले जाएंगे, वहां आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा, आप मुझे इसका गारंटी दे दो स्टैंप पेपर पे। तो कहता भाई ज्ञान पेलता रहता, हमेशा ज्ञानी गुरु बना रहता, मुझे
मेरे पढ़ने के टाइम पे भी लोग गुरुजी बोलते थे, गुरुजी ये तो गुरुजी है, ये तो जय हरिओम गुरुजी है, गुरुजी है, ये तो हरिओम बोलता है, गुरुजी है ये तो। मैंने कहा भाई आप मुझे गुरुजी बोलो, जय हरिओम गुरुजी बोलो, वो आपका निर्णय है, लेकिन इतनी बात मैं जानता हूं कि मैंने यदि यहां कोई व्यवहार गलत कर दिया तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं, लौट के वो व्यवहार मुझ तक जरूर पहुंच जाएगा। कर्म का अकाट सिद्धांत है। रतन टाटा से बात चली थी, जीवन भर जो अच्छे कार्य किए लोगों ने सराहे और लोगों ने देखा, तो बात रतन टाटा की चले या किसी की भी चले, ये तो कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। लेकिन आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें, हम सब इंटरकनेक्टेड है, हमने इसके आध्यात्मिक व्यावहारिक कई पहलू बता दिए आपको, जीव और ब्रह्म की एकता के सिद्धांत से समझा दिया, चेतनन सजीव अविनाशी वैष्णव संप्रदाय के हिसाब से आपको, हम शांकरी संप्रदाय के हिसाब से अद्वैत वेदांत से समझा सकते हैं, वो भी समझा दिया कि ये सिर्फ उपाधियों का भेद है, कुल्लड़ सकोरे अलग अलग है लेकिन माटी एक है, तो जब माटी एक है तो माटी से भिन्न आप क्या हो सकते हो। आपको सामान्य व्यवहार से भी बता दिया, तो आज आप ये बिल्कुल पक्का कर लें कि व्यवहार में कोई भी चूक ये सोच के ना करें कि ये जो हम व्यवहार कर रहे हैं ये व्यवहार यहीं तक सीमित रह जाएगा। आप मुझसे आज लिखवा के ले लें, जो भी आप व्यवहार आड़ा टेढ़ा अच्छा बुरा जैसा भी करेंगे वो आप तक लौट के आएगा। कई बार मुझसे लोग बोलते हैं मेरी सास ने मेरे से ऐसा व्यवहार किया, मेरी जो नंद है उसने ऐसा व्यवहार किया, मेरे देवर ने देवरानी ने ऐसा व्यवहार किया। मैं कहता हूं कि आप अपने व्यवहार को टटोलिए कि कहीं गलती से आपका व्यवहार उनके साथ गड़बड़ हो गया और वो लौट के आ रहा है, और अभी का नहीं है तो पूर्व के जन्म का है, आप अभी के जन्म का तो देख सकते हैं, पूर्व के जन्म का नहीं है तो कोई बात नहीं, पूर्व के जन्म का होगा वो आप देख नहीं सकते। तो अभी आपने, मैं खुद अपने जीवन में देखता हूं कि यदि कुछ मुझे किसी ने खारा खट्टा कड़वा कोई वचन बोल दिया तो क्या मेरे मुख से किसी को खारा खट्टा कड़वा वचन निकल गया? शरीर में कोई बीमारी भी आए उसको भी मैं जैसे होम्योपैथी वाले कहते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही खुद देखता हूं। तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कोई भी दुख आपको मिलता है वो दुख जो है हमने स्वयं बोया है। अभी तक जो हो गया सो हो गया, उस पर मिट्टी डालो, उसके बारे में चिंतन अभी मत करो, क्योंकि पूर्व के किए हुए कर्म पे और अधिक चिंतन करके आपको दुख पैदा क्यों करना। लेकिन अभी तो सावधान हो जाओ, आप पूर्व में तो जो हो गया उसका तो पश्चाताप ही हो सकता है, आज से ये सावधानी है। आप व्यवहार करते हुए मन में ये बात रखेंगे कि ये जो मैं व्यवहार कर रहा हूं या हम इस ढंग से रहते हैं, ईश्वरीय ये सिद्धांत है, कर्म का ये सिद्धांत है कि ये लौटकर हमारे पास अवश्य आने वाला है, क्योंकि गुरुजी ने आज हमें हर परिपेक्ष में ये बात समझा दी, वेदांत की दृष्टि से समझा दी, वैष्णव संप्रदाय की दृष्टि से समझा दी, सामान्य व्यवहार की दृष्टि से समझा दी। इसलिए आज की आपको यही सीख है कि व्यवहार करते समय आप सतर्क हो जाएं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। ॐ शान्तिः।